नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। देश के सबसे बड़े हथियार डिपो में भीषण आग, 20 जवानों की मौत। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पुलगांव में स्थित भारतीय सेना के सबसे बड़े केंद्रीय आयुध डिपो में भीषण आग लगने के बाद जोरदार धमाके हुए, जिसके चलते सेना के दो अधिकारियों समेत 20 जवानों की आग में झुलसने से मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल है। यह आग सोमवार आधी रात को लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ काफी देर तक रुक रुक कर धमाके होते रहे। सैन्य अधिकारी ने कहा कि एक शेड में लगी मुख्य आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने के बाद करीब 5 गाँव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। पुलगांव हथियार डिपो करीब 10,000 एकड़ एरिया में फैला है। फैक्ट्रियों में बनाए जाने वाले हर तरह के हथियार और गोला बारूद पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद दूसरे डिपो में सप्लाई होते हैं। सूत्रों के मुताबिक जहां आग लगी है, इस एरिया में एंटी टैंकर माइंस बिछी हुई थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने दामाद वाड्रा का किया बचाव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मोदी प्रधानमंत्री है, कोई शहंशाह नहीं, मगर उनके मंत्री उसी तरह जश्न मना रहे हैं जैसे किसी शहंशाह के लिए मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत अभियान भी एक षड्यंत्र है। अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लंदन स्थित बेनामी आवास के मुद्दे पर सोनिया ने कहा कि हाँ, यह भी हमारे परिवार के खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये लोग रोज कुछ न कुछ नया बहाना बनाते हैं। अगर ये आरोप सच है तो बिना भेदभाव के जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मालूम हो कि सरकार ने वाड्रा के लंदन में बेनामी आवास के मामले की नए सिरे से जांच शुरू की है। सुषमा स्वराज ने दिलाई रिफ्यूजी लड़की को मेडिकल सीट, भाग कर आई थी पाकिस्तान से। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ममतत्व भरा रूप एक बार फिर देखने को तब मिला जब उन्होंने 17 वर्ष की पाकिस्तानी हिंदू लड़की माशल माहेश्वरी का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने में उसकी मदद की। सुषमा स्वराज ने CNN पर इस बच्ची को देखकर ट्विटर के माध्यम से उसे संपर्क किया था। सुषमा स्वराज के दखल के बाद माशल को कर्नाटक में मेडिकल सीट ऑफर हुई है। दरअसल माशल के माता पिता पर पाकिस्तान में जुल्म ढाए जाने के बाद पारिवारिक धार्मिक वीजा लेकर ये परिवार जयपुर आ गया था। डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाली 17 वर्षीय माशल ने भारत में जी जान लगाकर पढ़ाई की और 12वीं में बायोलॉजी में 96% अंक हासिल किए। लेकिन जब उसने मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरना चाहा तो उसकी नागरिकता आड़े आ गई। उसके माता पिता पाकिस्तान के हैदराबाद में डॉक्टर थे। भारत में इस वक्त पूरा परिवार जयपुर में शरण लिए हुए है। नमस्कार, वेब दुनिया खबरों में इतना ही, और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए webdunia.com।